हालांकि यह चैनल गर्भावस्था और नवजात शिशु की देखभाल से संबंधित वीडियो पर ध्यान केंद्रित कर रहा था, लेकिन मैंने इस अवसर को कोरोना वायरस पर एक वीडियो बनाने और यह पोस्ट करने के लिए लिया है, क्योंकि बीमारी की कोई सीमा नहीं है और यह किसी भी व्यक्ति को छू सकता है। लिंग, जाति, इसका कोई सीमा नहीं है। तो चलिए कोरोना वायरस के बारे में कुछ जान लेते हैं। पहले हम वायरस क्या होता है इसके बारे में जान लेते हैं। वायरस एक छोटा सा संक्रमण खंड है जो केवल एक मेजबान जीव के जीवित कोशिकाओं के अंदर प्रतिकृति करता है, जीवित रहता है। वायरस जानवरों से लेकर मनुष्यों सभी प्रकार के जीवन रूपों को संक्रमित कर सकता है। जब वह मनुष्यों को संक्रमण करता है तब वह मनुष्य के अंदर उसकी एक प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया को उकसाता है जो आमतौर पर संक्रमित वायरस को समाप्त कर देता है। मुझे यकीन है आप में से अधिकांश ने सामान्य सर्दी का अनुभव किया होगा और हम जिस प्रकार से इससे कुछ ही दिनों में ठीक हो जाते हैं। आम सर्दी ज़्यादातर वायरस के कारण ही होता है। तो कोरोना वायरस का एक बड़ा परिवार है जो मनुष्यों में हल्के श्वसन संबंधी बीमारी से लेकर गंभीर बीमारी का कारण बन सकता है। कोरोना का अर्थ होता है मुकुट और यह वायरस माइक्रोस्कोप के नीचे मुकुट पहने जैसा लगता है। तो कोरोना वायरस कैसा फैलता है? कोविड-19 वायरस चीन के वुहान नामक एक जगह में पहले दिखना शुरू हुआ और कुछ ही महीनों में यह विश्व स्तर पर फैल गया है। कुछ लोग इस बीमारी से मर चुके हैं और दुनिया भर में पहले से ही हजारों इन वायरस से संक्रमित हैं। आप इस ग्राफ में देख सकते हैं कि इस वायरस 2003 के सार्स की तुलना में बहुत तेज से फैलने की क्षमता रखता है। आप सार्स की तुलना में 30 दिनों में इस वायरस की संख्या देख सकते हैं। कोविड-19 एक श्वसन वायरस है और श्वसन वायरस बड़े बूंदों से फैलता है जो लोगों से खांसी या छींकने पर निकलता है। वायरस कई तरह से फैलता है। ये बूंद छींकने या खांसने वाले से 6 फीट की दूरी पर भी गिर सकता है। यह उन चीज़ों जिस पर गिरा है जैसे दरवाजे के हैंडल, टेबल, चेयर, इन चीज़ों को छूकर एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को प्रेषित हो सकता है। वायरस इन चीज़ों पर कई दिनों तक भी जीवित रह सकता है और जब कोई असावधान व्यक्ति इन चीज़ों को छूता है वायरस उन्हें संक्रमित कर दे सकता है। एक बार जब वायरस व्यक्ति के शरीर के अंदर चले जाता है तो उस व्यक्ति में 3 से 5 दिनों के भीतर लक्षण दिखना शुरू हो सकता है, पर कुछ लोगों में लक्षण दिखने के लिए 28 दिन तक हो सकता है। इस अवधि को इनक्यूबेशन पीरियड का कहा जाता है। एक बार जब व्यक्ति संक्रमण को विकसित कर लेता है तो वह इसे अन्य लोगों तक पहुंचा सकता है। कोविड-19 के लक्षण खांसी, बुखार, सांस लेने में तकलीफ होना और दुर्लभ मामलों में कोविड-19 गंभीर श्वसन समस्याओं, गुर्दे की विहलता या मृत्यु का कारण बन सकता है। हम कोविड-19 से कैसे सुरक्षित रह सकते हैं? घर पर ही रहे। सामाजिक विकृति वायरस के प्रसार को धीमा करने के लिए बहुत बहुत ज़रूरी है। कृपया घर से बाहर न जाए जब तक कि बहुत ज़रूरी न हो। स्थिति नियंत्रण में होने तक कुछ समय के लिए वॉक्स पर जाना, जिम जाना, पार्टीज अटेंड करना और सामाजिक समारोह सब रोक ले। घर में अक्सर दरवाजे और दरवाजे के हैंडल, कैबिनेट हैंडल, बाथरूम के हार्डवेयर, टेबल टॉप, फोन, टैबलेट सभी में कीटाणु हो सकते हैं, तो नियमित रूप से कीटाणु नाशक सोप से साफ करते रहे। वायरस आपकी आंखों, नाक या मुंह के माध्यम से ही आपके शरीर में प्रवेश करता है, इसलिए अपने चेहरे को अनचाहे हाथों से छूने से बचना बहुत महत्वपूर्ण है। कम से कम 20 सेकंड के लिए साबुन और पानी से हाथ धोए।
हम कोविड 19 का निदान कैसे करते हैं? निदान केवल एक शारीरिक परीक्षा के साथ बहुत मुश्किल है, क्योंकि कोविड 19 के हल्के मामले में फ्लू या खराब सर्दी के जैसा ही दिखता है। एक प्रयोगशाल परीक्षण निदान की पुष्टि कर सकता है। यदि आपको खांसी बुखार है और आप चिंतित है कि आपको कोविड 19 हो सकता है, बीमारी को फैलने के अपने जोखिम को कम करने के लिए घर पर ही रहे। यदि आपको लक्षण बहुत सौम्य हैं, काम, स्कूल या सार्वजनिक स्थानों पर न जाएं और सार्वजनिक परिवहन से भी बचें। यदि आपके लक्षण गंभीर है या आपको ऐसा लगता है कि आपको चिकित्सा देखभाल की आवश्यकता है, तो कृपया अपने निकटतम चिकित्सालय जाएं। कुछ जोखिम कारक जिन्हें आपको ध्यान में रखना है वो है, पिछले 28 दिनों में क्या आपने भारत से बाहर चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, इटली, स्पेन या ईरान जैसे देशों की यात्रा की है? क्या आप एक ऐसे समुदाय में रहते हैं जहां कोरोना वायरस फैल चुका है? क्या आप कोविड 19 पॉजिटिव पेशेंट के आसपास रहे हैं, करीब संपर्क में रहे हैं, जैसे कि उस व्यक्ति के 6 फीट के भीतर एक विस्तृत समय के लिए होना? यदि आप देखभाल की सुविधा के लिए अपने घर को छोड़ते हैं तो मास्क पहनें, ताकि आपकी खांसी और छींक दूसरों को संक्रमित न करें। यदि आपको खांसी या छींक आती है तो अपनी कोहनी के बल झुके, ना कि अपने हाथ में छींके, या एक उद्योग का उपयोग करें और फिर इसे तुरंत फेंक दें। आमतौर पर बुजुर्ग लोगों और उच्च रक्तचाप, मधुमेह, हृदय रोग, सांस की बीमारी और कैंसर से पीड़ित लोगों में गंभीर लक्षणों के विकास का खतरा अधिक माना जाता है। कोविड 19 की रोकथाम के लिए सभी गर्भवती महिलाओं को समान सावधानियों का पालन करना चाहिए, जिसमें नियमित रूप से हाथ धोना, बीमार व्यक्तियों से बचना और किसी भी लक्षण के मामले में सलाह के लिए टेलीफोन द्वारा स्वास्थ्य सेवा प्रदाता से परामर्श करना शामिल है। इस बीमारी का कोई विशिष्ट उपचार नहीं है, इसलिए स्वास्थ्य सेवा प्रदाता रोगियों के नैदानिक लक्षणों जैसे बुखार या सांस लेने में कठिनाई का इलाज करते हैं। सहायक देखभाल जैसे वेंटिलेटर, ऑक्सीजन थेरेपी आदि गंभीर लक्षणों वाले रोगियों के लिए प्रभावी हो सकता है। कोविड 19 की स्थिति तेजी से बदल रहा है, क्योंकि यह बीमारी एक नए वायरस के कारण होती है, इसलिए लोगों को इसके प्रति प्रतिरोधक क्षमता नहीं है और एक टीका की तैयारी बहुत कई महीनों दूर है। तो बस अपनी प्रतिरक्षा बनाने पर अधिक ध्यान केंद्रित करें। हमारे शरीर में संक्रमण से लड़ने की अद्भुत क्षमता है, तो इस क्षमता को आप पूरी तरह से उपयोग करें। पानी पीते रहिए ताकि आप हाइड्रेट रहें। नींबू के रस या आंवला के रूप में विटामिन सी लें। ताज़े फल और सब्जियां खाएं और प्रतिदिन 20 से 30 मिनट तक धूप में रहे, ताकि आपके शरीर विटामिन डी बना सकता है। सुरक्षित रहे, घर पर रहे और सार्वजनिक स्थानों से बचें। मेडहेड टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर टैप करना न भूलें, ताकि हमारे नए वीडियोस आपको सबसे पहले मिलें।